हेलो स्टूडेंट, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी की मात्रा। ठीक है, आज हमारा बड़ी की मात्रा का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बड़ी की मात्रा के हम चित्र बनाए हैं हमने। अब आपको चित्र पहचानने हैं और पहचान कर फिर उनके शब्द लिखने हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? चित्र पहचान कर शब्द लिखो। ठीक है, आज हमारी छोटी की बड़ी की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, देखते हैं अभी अभी क्या बना हुआ है। देखिए आप लोग, क्या है ये? मछली। क्या है ये? मछली। तो मछली हमने आपको इससे पहले सिखाया था ना कि मछली कैसे लिखते हैं, म। ठीक है, फिर छ, फिर ल, लापे बड़ी की मात्रा मछली। देखा आपने? आपने पहले जो मैंने आपको इससे पहले जो मात्राएं सही स्थान पे मात्राएं लगाओ सिखाया था, आपने घर में प्रैक्टिस की, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये मछली लिखना जरूर आएगा। ठीक है, कैसे लिखना है मछली? म छ ली, मछली। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए क्या है ये? लकड़ी। ठीक है, क्या है ये? लकड़ी। तो लकड़ी कैसे लिखेंगे हम? ल, फिर क्या आ रहा है? क, फिर ली, लकड़ी। ठीक है, क्या हो गया ये? लकड़ी, ल क ली, लकड़ी। देखिए अब ये कौन सा चित्र बना हुआ है? ये देखिए, पानी बह रहा है, क्या बोलते हैं इसको? नदी। क्या बोलते हैं? नदी, न दी, नदी। ठीक है, न और फिर दा पे बड़ी की मात्रा दी, नदी। देखिए ये क्या है? आ रहा है आपको समझ में? क्या है? दीपक। क्या है ये? दीपक। दापे बड़ी की मात्रा दीपक, दीपक। ठीक है, कैसे लिखेंगे? दी, दापे बड़ी की मात्रा दीपक, दीपक। ओके, ये क्या है? तीर। तीर चलाते हैं ना इसे धनुष में लगाकर, देखा है आप लोगों ने? तीर देखा है आप लोगों ने, है ना? तीर। ता, तापे बड़ी की मात्रा रा, तीर। क्या हो गया ये? तापे बड़ी की मात्रा तीर, तीर। ठीक है, अब ये देखिए क्या है? घड़ी। देखिए घड़ी है ना, ये हमें टाइम बताती है कि अभी क्या टाइम हो गया है ना? कैसे लिखेंगे घड़ी को? घड़ी, घड़ी। ठीक है, देखा आपने? हमारा क्या टॉपिक था? चित्र पहचान कर शब्द लिखो। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, हमें इन्हें पहचानना था और यहाँ पे उनके शब्द लिखने थे। तो पहला हमारे क्या है? मछली। हमने कैसे लिखा? मछली। फिर यहाँ पे क्या है? लकड़ी। हमने कैसे लिखा? लकड़ी। फिर ये क्या है? नदी। तो हमने कैसे लिखा? नदी, नदी। फिर ये क्या बना है? दीपक। ठीक है, हम दिवाली पे दीपक जलाते हैं, मम्मी डेली पूजा करती है ना, तो मंदिर में दीपक जलाती है ना, देखा आप लोगों ने? हाँ, तो ये कैसे लिखेंगे? दीपक, दीपक। फिर ये तीर, तीर है ना, तीर। तो कैसे लिखेंगे? तीर। ये धनुष में यूज होता है ना, धनुष बाण जब चलाते हैं तब। घड़ी, ये हमें क्या बताती है? टाइम बताती है, समय बताती है कि क्या समय हो रहा है। कैसे लिखेंगे इसको? घड़ी, घड़ी। ठीक है बच्चों, ये छोटी, ये बड़ी की मात्रा आज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको घर में इसे बार बार रिवाइज करना है और मात्राओं को बार बार आप पढ़ेंगे और बार बार लिखेंगे तभी आपको आएगी, एक बार पढ़ने से नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आपको इसको जब तक मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ना हो आपको इसे रिवाइज करते रहना है घर में, और रफ में बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है और बोलना भी है। ठीक है, ओके, बाय बाय।